हाय गाइस, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि MIUI 13 का है जो फाइनली अपडेट आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे MIUI 13 वर्जन हमारे फ़ोन में पूरी तरह से अपडेट है। यदि आपके फ़ोन में भी अपडेट्स आया है तो आप इसे अपडेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये MIUI, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन पे क्लिक करने पर यहाँ पे 13 आ रहा है। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि ये जो फंक्शन आया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, जिसमें से एक बात करेंगे वीडियो टूल बॉक्स। पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि वीडियो टूल बॉक्स क्या होता है और कैसे सेटिंग करना है, लेकिन ये MIUI 13 अपडेट आने के बाद वीडियो टूल बॉक्स हट गया है। उसके स्थान पर एक नया सेटिंग आया है जो कि हम इस वीडियो में बताएंगे। तो उस सेटिंग का नाम है, चलिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। और जैसा कि वीडियो टूल बॉक्स आपको स्पेशल फीचर्स के अंदर मिलता था, उसी प्रकार से आपको स्पेशल फीचर के अंदर जाना है। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको स्लाइड बार दिख रहा है, स्लाइड बार, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले वीडियो टूल बॉक्स देखने को मिलता था जो कि यहाँ से आपको हटा दिया गया। तो केवल आपको स्लाइड बार दिखेगा। आपको इस पर जैसे ही क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्लाइड करके आप कोई भी ऐप को चला सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इसका सेटिंग है, जैसे कि ऑलवेज शो, आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो हमेशा शो नहीं होगा। और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे शो वाइल प्लेइंग गेम्स, यानी जब तक आप गेम खेलेंगे तभी तक आपको यह शो होगा स्लाइड बार, और उसके बाद नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा शो हो तो इसे ऑलवेज शो पे क्लिक कर देंगे। और उसके नीचे आता है टूल बॉक्स पोजीशन, तो आप यहाँ से लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं, जिससे कि आपका टूल बॉक्स आपको जिस भी पोजीशन पर सही लगे आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस गेम्स में आपको चाहिए स्लाइड बार। और यहाँ पे